वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक पार्षद रामलोट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नगर निगम के 70 वार्डों में निगरानी समिति बनाई गई है। पार्षद, सुपरवाइजर, सफाईकर्मी, लेखपाल, 2 पुलिसकर्मी, 2 सिविल डिफेंस के कर्मचारी, आशा, एनएम को लेकर बनाया गया है। इस समिति को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो भी प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं और जो उस वार्डों में 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या वो लोग जो किसी भी रोग से ग्रसित हैं, उन सभी व्यक्तियों की जांच करके डेटाबेस बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों का टेस्टिंग करा करके पता लगा सके कि किस व्यक्ति में संक्रमण है और किस व्यक्ति में नहीं है और संक्रमण का जो खतरा है कम से कम किया जा सके और जांच के माध्यम से सभी व्यक्तियों को आइसोलेट किया जा सके। निगरानी समिति के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और उनका पूरा नाम डिटेल नोट किया जा रहा है और इसके लिए निगरानी डिजिटल लिंक बनाया गया है और निगरानी डिजिटल लिंक के माध्यम से डेटा लिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति निगरानी लिंक के माध्यम से उन व्यक्तियों का डेटा पढ़ सकता है जो भी व्यक्ति बाहर से आया है। महानगर के प्रत्येक वार्ड में इस तरह की बैठक चल रही है। निगरानी समिति की बैठक में पार्षद रामलोट निषाद, लेखपाल विमलेश दुबे, सुपरवाइजर शिव प्रसाद, आशा प्रमिला देवी, सुमित्रा देवी, नागरिक सुरक्षा से इंद्रपाल गुप्ता, रमेंद्र नाथ, अरविंद निषाद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद रामलोट निषाद और एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, और कोई बाकी नहीं, इसमें मिलान कर लीजिए आप। श्री प्रसाद, इसमें मिलान करवा दीजिए तो हो जाएगा, आप भी करवा सकते हैं इसको। पहले मुझसे नोट भैया ले लीजिए, उसका जैसे कोई बात नहीं लेते आएंगे वाला जो चैट है नोट किया रमेश का 24 तारीख को रमेश गौर प्यारे लाल मुंबई से आए। बताइए विष्णु 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 कुमार का चीज कितना नाम सुरभि काशी प्रसाद उत्तराखंड से आए। उम्र उम्र 25 मोबाइल नंबर पार्षद रामलोट निषाद वार्ड नंबर 15 कपड़ापुर। आज बैठक में नागरिक हम लोग अपनी नागरिक सुरक्षा समिति जो बैठक हुआ है इसमें हम लोग तहसील से लेखपाल साहब हैं, नागरिक सुरक्षा को से भी बैठक में है, सफाई कर्मी सुपरवाइजर मौके पर, हमारे आशा बहु उर्मिला और सुमित्रा मौके पर है। मैं इन लोगों की बैठक में समीक्षा की, हम लोग आपस में विचार बनाए, जो सरकार की आदेश अनुसार है होम क्वारंटाइन करने के लिए बाहर के लोगों जितने लोग आए हैं उनको समझाते हुए कि आप अपने घर में सुरक्षित पड़े रहिए और आगे जो सरकार की अनुमति आएगी उसके हम लोग पालन करेंगे। बैठक में हम लोग जितने लोग बाहर से आए उनको खोज लिया जाए, खोज कर उनको समझा दिया जाए, बाकी जो सरकार की सुविधा है उसको हम लोग देने के लिए आगे कार्रवाई करके जो पाएंगे। ये देखिए, नगर क्षेत्र में, नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में 70 वार्डों में हमने निगरानी समिति बनाई है जिसमें पार्षद, सुपरवाइजर, सफाई कर्मी, लेखपाल, 2 पुलिसकर्मी, 2 सिविल डिफेंस, आशा, ANM इनको लिया गया है। हमारा पर्पस उद्देश्य ये है कि जो भी लोग बाहर से आए हैं, जो भी प्रवासी श्रमिक पिछले दिनों से बाहर से आए हैं और जो बाहर से आए लोग आ रहे हैं और जो 60 साल से ऊपर हैं और जो क्रोनिक बीमारी या किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे सभी लोगों का हम डेटाबेस बना रहे हैं ताकि ऐसे लोगों की पूल टेस्टिंग करा के हम ये बता पाएँ कि किस में संक्रमण है, किस में संक्रमण नहीं है, संक्रमण का जो खतरा है उसको हम कम से कम कर पाएँ और टेस्टिंग के माध्यम से हम सभी संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट कर पाएँ, ये हमारा पर्पज़ है। तो निगरानी समिति के माध्यम से हर घर घर जाके हम ऐसा सर्वे ले रहे हैं, हम ऐसा डेटा ले रहे हैं। हमने निगरानी एक डिजिटल लिंक भी बनाया है, उस डिजिटल लिंक के माध्यम से हम ऐसे सभी व्यक्तियों का डेटा उसमें डेटाबेस के माध्यम से ले रहे हैं। तो निगरानी लिंक के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति
वो डेटा भर सकता है जो बाहर से आया है, और निगरानी समिति के माध्यम से भी उसको भरवाया जा रहा है। तो प्रत्येक वार्ड में इस तरीके की मीटिंग चल रही है। हमारे नए जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं 2019 के आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी अनुराज, उसको इसका हमने प्रभारी बनाया है, वो मीटिंग भी ले रहे हैं और जा जा के चेक भी कर रहे हैं।